हेलो एब्री आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे आर्बिट्रेशन को मीडिएशन को और कंसीलिएशन को और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है ए के मेन मैकेनिज्म होते हैं आर्बिट्रेशन मीडिएशन और कंसीलिएशन ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक इनफॉर्मल मैनर में जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि एक सॉल्यूशन निकाला जा सके सेटलमेंट करके या फिर नेगोशिएशन करके यहाँ पर लोगों के द्वारा एक थर्ड पार्टी की हेल्प ली जाती है ये एक अच्छा तरीका है अगर हम इसे कंपेयर करें लिटिगेशन की प्रोसेस से अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है क्या जब जो पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रेशन के अलावा कोई मेथड को चूज़ करती हैं जैसे मिडिएशन नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, लोक अदालत या फिर ऑनलाइन आर्बिट्रेशन तो इसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहा जाता है ए के द्वारा जो मैटर है उसे एफिशेंटली और इफ़ेक्टिवली सॉल्व किया जाता है आसान भाषा में कहा जाए तो बेसिकली ये एक सेटलमेंट है डिस्प्यूट का नेगोसिएशन के थ्रू आर्बिट्रेशन में एक डिस्प्यूट को डिसाइड किया जाता है अवार्ड को इम्पोज करके पर जब बात ए की आती है तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला जाता है नेगोशिएशन को इस्तेमाल करके ना कि एक अवार्ड को तय करके ए का जो पर्पस है वो सिर्फ रेमेडी प्रदान करना नहीं होता ए का मतलब ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही तरह से ऑपरेट कर सके अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन के बारे में आर्बिट्रेशन एक तरीका होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जिसमें पार्टीज के द्वारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जाता है और यहाँ पर कोर्ट की जगह एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जिनके द्वारा फिर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है यहाँ पर जिस थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ऐसे व्यक्ति को आर्बिट्रेटर कहा जाता है एक आर्बिट्रेटर को लेबर डिस्प्यूट्स बिज़नेस और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए रखा जाता है आर्बिट्रेशन को हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है यहाँ पर उन वीडियोस की लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंसीलिएशन के बारे में कंसेलिएशन एक टाइप ऑफ एडीआर है जहाँ पर सेटलमेंट कोर्ट के बाहर किया जाता है पूरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में कहीं पर भी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जो डिस्प्यूट है उसे सेटल किया जाता है एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के द्वारा जिसे कंसीलिएटर कहा जाता है जो कंसीलिएशन की प्रोसेस है वो एक वॉल्ट्री प्रोसेस है यहाँ पर ये दोनों पार्टीज़ की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है यहाँ पर पार्टीज़ के द्वारा एक कंसीलिएटर को अपॉइंट किया जाता है जिसकी मदद से फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है यहाँ पर जो भी प्रपोज़ल दिया जाता है कंसिलिएटर के द्वारा यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो फ्री है वो चाहे तो उस प्रपोज़ल को मान भी सकती हैं और नहीं भी मान सकती कन्सिलिएशन की जो प्रोसेस है उसे लिटिगेशन से बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल प्रोसीजर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो फ्रेंडली वे में साफ तरह से अपनी बात को रख सकती है और यहाँ पर इजीली सॉल्यूशन तक पहुँचा जा सकता है बिना किसी फॉर्मल प्रोसेस के अब बात ये आती है कि कंसीलिएशन प्रोसेस को इंडिया में अडॉप्ट कब किया गया जो कंसीलिएशन प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करने के लिए पहला रिकमेंडेशन दिया गया था वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इवॉल्व किया गया था प्री ट्रायल इन ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल कंसीलिएशन को सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 1984 में कलकत्ता रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1994 में यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो कंसीलिएशन कोर्ट्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए अदर स्टेट्स में भी यू एन सी आई टी आर ए एल के द्वारा जब कंसिलेशन रूल्स को अडॉप्ट किया गया नाइनटीन एटी में तब यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट नाइनटीन नाइन्टी सिक्स को इस एक्ट के द्वारा कंसीलिएशन को एक स्टेट्यूटरी रिकगनेशन दिया गया इसके साथ ही पोस्ट लिटिगेशन कंसीलिएशन को रिकगनाइज़ किया गया एस ए डी आर बाई द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन एटी नाइन इन सिविल प्रोसीजर कोड और इसके साथ ही यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया कि जो सब जूडस मैटर्स होते हैं उसको कंसिलियशन के लिए प्रोवाइड किया जा सके पार्टीज़ की कंसेंट से अब बात आती है मेडियशन की ए डी आर का जो सबसे ज़्यादा एडवांसड मैकेज़म है वो है मेडियशन ये एक मेथड है जिससे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को हैंडल किया जाता है एक पॉजिटिव मैनर में और ये किया जाता है लोगों की भलाई के लिए और इसके साथ ही जो कम्युनिटी है उसके बेटरमेंट के लिए मेडिएशन एनकरेज करता है पार्टीज़ के द्वारा खुद ही एक सॉल्यूशन को निकालने में अगर पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो मेडियशन इसी बात को एनकरेज करता है कि जो पार्टीज़ हैं वो खुद ही इस डिस्प्यूट के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढें। जो बेसिक मोटिव है मेडियशन का वो है प्रोवाइड करना पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी ताकि वो नेगोशिएशन कर सकें और फाइनल सोल्यूशन तक पहुँच सकें और इसके साथ ही जो दोनों पार्टीज़ की नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाए यह असिस्टेड नेगोशिएशन है और एक इनफॉर्मल प्रोसेस है यहाँ पर पार्टीज़ की मदद की जाती है एक थर्ड इम्पारशल पर्सन के द्वारा जिसे मेडिएटर कहा जाता है जिसके पास में कुछ स्पेशलाइज स्किल्स होती हैं कुछ ट्रेनिंग होती है और सफिशेंट एक्सपीरियंस होता है अब यहाँ पर ये यह सवाल आता है कि एक मेडिएटर का क्या रोल होता है मेडिएटर का रोल होता है असिस्ट करना पार्टीज़ को यहाँ पर मेडियटर के द्वारा ये नहीं डिसाइड किया जाता कि कौन सी पार्टी सही है कौन गलत है और यहाँ पर मेडिएटर के पास में ये भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो कोई सेटलमेंट को इम्पोज कर सके पार्टीज़ पे। पार्टीज़ यहाँ पर आती हैं और ट्रू राइट्स और नीड्स को रेकग्नाइज़ करती हैं यहाँ पर मेडिएटर के द्वारा ये बताया जाता है कि सॉल्यूशन जो है वो रीच किया जा सकता है अगर एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सेल्फ मेडिएशन के थ्रू अगर जो पार्टीज़ हैं वो चीज़ों को डिसाइड करें तो ये बेस्ट तरीका होगा जस्टिस प्रदान करने का मेडिएटर के द्वारा पार्टीज़ को एम्पावर किया जाता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें और डिसाइड करें एक आउटकम को और यहाँ पर एक ऐसा आउटकम निकाला जाए जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को बेनिफिट हो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो मेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फैसिलिटेट करती है दोनों पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएशन को अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो मेडिएशन सेंटर्स हैं वो इंडिया में किस तरह से ग्रो हुए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ए डी के ऊपर इंडिया में मेडिएशन को एक ए के मेकानज़म की तरह एक्सेप्ट किया गया इसे दिल्ली में वाइडली यूटिलाइज़ भी किया गया इंडिया में मेडिएशन को लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन दिया गया था सबसे पहली बार 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के द्वारा इनक्टमेंट ऑफ सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी को फोकस किया गया था जुडिशरी के द्वारा ताकि पॉपुलराइज़ किया जाए और प्रोपोगेट किया जा सके मेडिएशन को एस एडीआर डी इसके साथ ही जुडिशरी के द्वारा एक प्लान प्रिपेयर किया गया नेशनल प्लान फॉर मेडिएटेड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जिससे डेवलप किया गया और ट्रेन किया गया मेडिएटर्स को मेडिएशन मैनुअल्स को डेवलप किया गया और इसके साथ ही मेडिएशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया और साथ ही में मेडिएशन के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड किया गया और मेडियशन को पॉपुलराइज़ किया गया अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आर्बिट्रेशन, मेडिएशन और कंसीलिएशन तीनों अलग कैसे हैं जो मेडिएशन एंड कंसीलिएशन है ये दोनों एक इनफॉर्मल प्रोसेस है आर्बिट्रेशन को अगर कंपेयर किया जाए मेडिएशन से और कंसीलिएशन से तो आर्बिट्रेशन कंपैरेटिवली फॉर्मल प्रोसेस है मेडिएशन में मेडिएटर के द्वारा जनरली सेट आउट किया जाता है ऑल्टरनेटिवस को पार्टीज़ के लिए ताकि वो एक अग्रीमेंट तक पहुंच सकें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेडिएशन का वो ये है कि जो सेटलमेंट है उस तक पहुंचा जाता है पार्टीज़ के खुद के द्वारा मेडिएशन के द्वारा जिस भी सेटलमेंट तक पहुंचा जाता है वो सेटलमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता है पार्टीज़ के ऊपर आर्बिट्रेसन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर पार्टी सबमिट करती हैं अपने केस को एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के समक्ष न्यूट्रल थर्ड पार्टी के द्वारा डिस्कशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है डिस्प्यूट को और उसके बाद उनके द्वारा तय किया जाता है एक सॉल्यूशन को जब बात कंसिलेशन की आती है तो यहाँ पर असिस्टेंस लिया जाता है एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी से यहाँ पर जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है ताकि अग्रीमेंट तक पहुँचा जा सके जो प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है मेडिएशन में आर्बिट्रेशन में और कंसीलिएशन में ये तीनों प्रोसेस अलग होती है पर यहाँ पर पर्पस सेम होता है कि जो डिस्प्यूट है उसे रिज़ोल्व किया जाए और यहाँ पर डिस्प्यूट को उस तरह से रिजॉल्व किया जाए कि जो पार्टीज़ का इंटरेस्ट है वो बैलेंस्ड रहे हम ये कह सकते हैं कि ए के अंदर जो मेन थ्री मेकनिज़म है वो है आर्बिट्रेशन मेडिएशन और कन्सिलशन जो बिज़नेस क्लास के लोग होते हैं वो आर्बिट्रेशन मेडिएशन और कंसीलिएशन को प्रेफर करते हैं एज़ कंपेयर टू कोर्ट्स क्योंकि यहाँ पर ये उतनी फॉर्मल प्रोसेस नहीं होती है। रीसेंट ईयर्स में इस बात को देखा गया है कि ये जो प्रोसेस है ये लिटिगेशन की प्रोसेस से बेटर है जो पार्टीज़ हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं और अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाती हैं तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है आर्बिट्रेशन मेडिएशन एंड कंसीलिएशन एंड द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन मेडिएशन एंड कंसीलिएशन